Movements across cell membranes, the active transport. First, the contents definition of active transport, energy requirements for active transport, role of membrane proteins in active transport, and some examples of active transport that the movement of sodium, potassium, and calcium ions. So, first, the definition active transport is the movement of molecules from low concentration. टू हाई कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी थ्रू सेमी परमीएबल मेमब्रेन तो स्टूडेंट्स आपने जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देर थ्री आपने दो या तीन चीजें जो है उसको याद रखना है फर्स्ट वन कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मालिक्यूल्स की लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट है अच्छा लो से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट को हम अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर है तो इस ये एनर्जी के बगैर नहीं होगी तो इट मीन्स इट विल यूटिलाइज ए टी पी मालिक्यूल्स तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट कन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है एनर्जी यूटिलाइज़ हो रही है और ये जो मूवमेंट है इट इज़ थ्रू सेमी परमिएबल मैमब्रेन यानी मैमब्रेन को क्रॉस करेगी ये जो इसमें मालिक्यूल देवल क्रॉस था मैमब्रेन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने हमेशा याद रखना है कि जब वर्ड एक्टिव आ जाता है तो इसका मतलब सिंपली ये कि देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी वह एनर्जी रिक्वायरमेंट है अगर कोई कहता है पैसिव ट्रांसपोर्ट तो इट मीन एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो आमतौर तो पर जो मालिक्यूल्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी को एज एनर्जी जो करेंसी यूज करते हैं रोल ऑफ मेम्ब्रेन इन प्रोटीन्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में अगर हम देखते हैं अच्छा सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज़ मौजूद है लिपिड्स मौजूद हैं और इसके अलावा प्रोटीन्स हैं लिपिड्स मालिक्यूल्स कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हिस्सा नहीं लेते जबकि जो एक्चुअल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मालिक्यूल रोल प्ले करते हैं दे आर एक्चुअल द प्रोटीन मालिक्यूल्स और इन प्रोटीन मालिक्यूल्स को हम बेसिकली कहते हैं दे आर द कैरियर्स प्रोटीनस हैं ये कैरियर्स हैं अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कैरियर प्रोटीन्स यूज होती हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन्स हैं फर्क यह है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो कैरियर प्रोटीन है वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं करती है वो सिंपल वो हाई से लो की तरफ मालिक्यूल को लेकर जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन है ये लो से हाई की तरफ मालिक्यूल को लेकर जाएगी और इट विल यूटिलाइज ए टी पी अब वो प्रोटीन जो ए टी पी यूज करते हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पम्प का तो इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं दे आर द पंप्स उनको हम मेम्ब्रेन पम्प्स का नाम देते हैं अब मसलन हाइड्रोजन आयन को जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मालिक मूव करवाएगी जो प्रोटीन उसको हम कहेंगे ये हाइड्रोजन पंप है जो सोडियम को ट्रांसपोर्ट करवाएगी उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे सोडियम पंप यूज़ करेंगे कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो सोडियम और पोटाशियम दोनों को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे वर्ड सोडियम पोटाशियम पम्प का वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ के इस डायग्राम में हम देखें तो ये हमारे पास एक जनरल डायग्राम है वो ये बता रही है कि किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट transport में ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल होती है अब जो जो मूवमेंट है ये फ्रॉम यहां कंसनट्रेशन लो है मालिक्यूल्स की जबकि यहां मालिक्यूल कंसनट्रेशन क्या है हाई है अब मूवमेंट जो है वो है लो टू हाई कंसनट्रेशन जब मूवमेंट लो से हाई कंसनट्रेशन की तरफ होती है तो हम कहते हैं इट इज अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अब अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के लिए मालिक खुद से कभी मूव करके लो से हाई की तरफ नहीं जाएगा बल्कि उसको स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं वो लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ कंसनट्रेशन की तरफ लेकर जाएंगे दे आर एक्चुअली कैरियर प्रोटीन्स और ये कैरियर प्रोटीन जो ये एनर्जी यूटिलाइज करेंगी फॉर दिस मूवमेंट मालिकूल के ट्रांसपोर्ट के लिए देवर यूज एनर्जी क्या करें एनर्जी यूज करेंगी तो उसके बाद जो है वो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का खास बात ही यही है कि इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर यूज बाई द सेल्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखें जैसे हमने सोडियम पोटाशियम पम्प या फिर कैल्शियम पम्प का जो वो जिक्र किया है ये बेसिकली सोडियम पोटाशियम पम्प जो है अब सोडियम आयन कन्सनट्रेशन जो है वो जो इसमें जो सिंपल ये होगा कि सोडियम आयन कन्सनट्रेशन के लिए जो मालिक्यूल्स हैं वो अगेंस्ट सेल के बाहर सोडियम आयन कंसनट्रेशन ज्यादा होती है जबकि सेल के अंदर सोडियम आयन कंसनट्रेशन क्या है कम है तो अब कम कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जो प्रोटीन मालिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगी दैट विल बी कॉल्ड द सोडियम पंप अब यही प्रोटीन पोटाशियम मालिक्यूल्स को भी मूव करवा रही है दैट दिस इज कॉल्ड द सोडियम पोटाशियम पंप इसको जो है वो नाम देंगे कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से प्रोटीन है जिसको हम कैल्शियम पंप का नाम देते हैं अच्छा ये दोनों पंप सोडियम पोटाशियम पंप और कैल्शियम पंप हमारी बॉडी के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर कैल्शियम आयंस को पंप नहीं किया जाएगा ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है क्योंकि जो जितनी भी मसल कंट्रेक्शन है उसमें कैल्शियम आयन का रोल है कैल्शियम आयन आते हैं तो फिर मसल कंट्रैक्शन होती है तो इसका मतलब है कि कैल्शियम आयंस जो हैं अगर कैल्शियम पंप काम नहीं करेगा कैल्शियम आयन मूव नहीं करेंगे तो मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी सोडियम पोटाशियम पंप का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी जो नर्व इंपल्स है जो ब्रेन से मूव करके तमाम बॉडी पार्ट कंट्रोल होते हैं जिसके थ्रू अगर सोडियम पोटाशियम पंप काम नहीं करेगा सोडियम और पोटाशियम आयंस ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो फिर इस सूरत में जो है वो कभी भी नर्व इंपल्स जो वो जनरेट नहीं हो सकेगी यहाँ डायग्राम में अगर हम देखें ये दोनों हमारे पास बड़ा क्लियर बताया गया है सोडियम आयंस जो हैं सेल के बाहर जो होता है वो सोडियम आइन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कितनी है जी 150 फिफ्टी मिली मोलर और सेल के अंदर सोडियम आइन कंसनट्रेशन कितनी है 15 मिली मोलर यानी बाहर 10 टाइम ज़्यादा कंसनट्रेशन है सोडियम सोडियोमाइंस की लेकिन उसके बावजूद सोडियम आइन को सेल से बाहर ले जाना है क्यों क्योंकि नर्व इम्पल्स जनरेट करवाने के लिए सेल से बाहर सोडियोस का मैक्सिमम होना ज़रूरी है अब इस काम के लिए सोडियम आयन को बाहर ले जाने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन या सोडियम पोटाशियम पंप जो अगर हाँ हम इसकी बात करें ये मौजूद है ये तीन सोडियम आइन्स को यहाँ से उठाएगा लो कंसनट्रेशन से उठाएगा और हाई कंसनट्रेशन की तरफ ले जाएगा इसी तरह से ये सोडियम आयन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी पोटाशियम आयन इसके रिवर्स होते हैं पोटाशियम आयन सेल के बाहर काम होते हैं जबकि सेल के अंदर इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है पोटाशियम आयन सेल के बाहर जो होते हैं ये फाइव मिली मोलर हैं जबकि सेल के अंदर इनकी जो कंसनट्रेशन है दैट इज वन फिफ्टी मिली मोलर आप पोटाशियम आयन भी लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन तरफ आएंगे सेम वही प्रोटीन जो सोडियम आयन को बाहर लेकर गई या पोटाशियम आयन को अंदर लेकर आएगी यानी अब ये सोडियम पोटाशियम पम्प बेसिकली सोडियम पोटाशियम प्रोटीन है ये चैनल प्रोटीन जो है कैरियर प्रोटीन है ये एट ए टाइम सोडियम को बाहर लेकर जाएगी जबकि दो पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लेकर आएगी तो इस तरह से मैमब्रेन अब जब ये आयंस पोटेशियम आयन अंदर और सोडियम आयन बाहर जाएंगे तो ओवरऑल सेल मैमब्रेन के ऊपर एक चार्ज एग्जिस्ट करता है बाहर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव आयंस बाहर ज्यादा हैं जबकि अंदर की तरफ जो होता है मैमब्रेन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है और यही वो चार्ज का डिफरेंस है जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है जो नर्व इम्पल्स है वो क्या करेगी ट्रैवल करेगी हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर